रामगंज क्षेत्र में एक युवक के साथ हुई 42,000 की ऑनलाइन ठगी, दिल्ली के ठग ने दी वारदात को अंजाम, मामला भगवानगंज चौकी में दर्ज। अजमेर में लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां भगवानगंज के एक युवक को दिल्ली के ठग ने अपना शिकार बनाया। ठग ने सागर कुमार नामक युवक को फोन किया और कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड की किस्त बाकी है, उससे पहले आप अपने क्रेडिट कार्ड आगे के अंक बताएं। सागर ने ठग को वो नंबर बता दिया और ठग ने 9,000 करके 3-4 बार में 42,000 रुपये निकाल लिए। इसका कोई मैसेज सागर को नहीं मिला। बाद में जब एक्सिस बैंक से सागर को फोन आया, तब जाकर सागर को इसकी जानकारी हुई। सागर ने मामला पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया है। कल परसों मसूदा वर्किंग कर रहा था, 2-3 बार का मुझे उनका फोन आ रहा था, तो मैंने उनको फोन कर अटेंड करके बोला था मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तो बोला ठीक है। फिर मैं इवनिंग में शाम को घर पर आया था तो उनका फिर फोन आ रहा था 2-3 बार। तो फिर मैंने अटेंड करके बात करी तो बोले आपकी ना लास्ट किस्त ड्यू रही हुई है, उसके चक्कर में आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसको अनब्लॉक कराने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड का कार्ड वो 12 डिजिट का कोड बताओ, नंबर कार्ड, तो हम अनब्लॉक कर दें। मैंने ठीक है मैम, मेरी रही थी किस्त तो मैंने उनको बताया था। तो उनके बाद ना मुझे कोई मैसेज आया ना कोई कॉल आया। मुझे फिर कल सुबह मॉर्निंग में कस्टमर केयर का फ़ोन आया, बोला सर आपने कल ट्रांजेक्शन करे क्या 9,000 के 42,000 के। मैंने सर मैंने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा। बोला सर आपके यहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ है कल शाम को 5 बजे और हम आपको कॉल कर रहे थे तब लग नहीं रहा है आपका, तो आप जाके पास वाली ब्रांच में बात करो और एफ आई आर दर्ज कराओ, आपके साथ ठगी हो गई है। 42,000 की सर। कौन सा नंबर क्या है? नंबर 9811769495, ये दिल्ली की लोकेशन बता रहा है। कौन सी बैंक में खाता था? कौन सी एक्सिस बैंक में खाता था और वो खुद भी वो बता रहे थे आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसकी लास्ट किस्त ड्यू रही हुई है। कैश निकाले आपके एटीएम से? नहीं, एटीएम से नहीं, क्रेडिट कार्ड से। मेरी जो लिमिटेड थी ना 45,000 की, जिसमें 42,000 उन्होंने निकाल दिए। मुकदमा दर्ज कराया? यस सर, मैंने मुकदमा दर्ज ये अपने पहले रामगंज थाने में करवाया था, तो उन्होंने मेरा है ना केस और भगवानगंज चौकी में भेज दिया। मेरा नाम सागर कुमार पिंजलानी है।